हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 72 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 की। आज हम पढ़ेंगे मैनेजिंग द गार्बेज के ऊपर। हमारी डेली एक्टिविटी के कारण से हम जो दिनचर्या की बहुत सारे कार्य करते हैं उसमें बहुत सारा गार्बेज भी इकट्ठा होता है, और इस गार्बेज को हम कैसे मैनेज करना है इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। गार्बेज को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमारा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। हम जो है गार्बेज कहीं पे क्रिएट करें और वहीं पे ना फेंकें, उसको पर्टिकुलर डस्टबिन, ब्लू कलर का डस्टबिन या ग्रीन कलर का डस्टबिन, आपने देखा होगा ब्लू कलर का डस्टबिन में सूखा कचरा डाला जाता है और ग्रीन कलर के डस्टबिन में गीला कचरा डाला जाता है। तो एक बार समझते हैं कि गार्बेज दो तरह का होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल को हम ये कह सकते हैं गीला कचरा, गीला कचरा, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम कह सकते हैं सूखा कचरा। ये जो गीला कचरा या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, यह वह वेस्ट होता है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से ब्रेक हो जाता है और मिट्टी में और एनवायरमेंट में आसानी से मिल जाता है, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके, पेपर हो गया, जूट और डंग। ये सब वह चीजें हैं जो आसानी से एनवायरमेंट में मिल जाती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल या फिर सूखा कचरा वह कचरा होता है जो आसानी से ब्रोक आउट नहीं होते, एनवायरनमेंट में नहीं मिलते, और इन कारण से पॉल्यूशन कॉज होता है। जैसे प्लास्टिक जो है वो बहुत समय लेता है एनवायरनमेंट में मिलने में, यह आसानी से गलता नहीं है। पॉलीथीन का भी यही हाल है और मेटल्स का भी यही हाल है। तो प्लास्टिक, पॉलीथीन और मेटल जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। चलिए अब समझते हैं मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल में। सबसे पहले है बायोगैस प्लांट। सो बायोगैस प्लांट में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को हम बायोगैस या फिर मैन्यूर में कन्वर्ट करते हैं बायोगैस प्लांट में। लैंडफिलिंग्स, लैंडफिलिंग का नाम ये है कि अगर कहीं पे डंप एरिया है यानी गड्ढा है, तो गड्ढे में हम क्या करते हैं, वेस्ट को इकट्ठा करते जाते हैं। और वेस्ट को जब इकट्ठा करते जाते हैं इसके लिए बुलडोजर्स की सहायता लेनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं लैंडफिलिंग्स, जहाँ पे ये वेस्ट को डाला जाता है। अब बात करते हैं रिसाइकिल की, तीसरे नंबर पे। रिसाइकिल में वह वेस्ट होते हैं जो दोबारा से गलाकर, मान लीजिए ये हमारे पास है वेस्ट और इसमें हमने एनर्जी लगाई, एनर्जी का मतलब है इसको गलाया और दोबारा से यूजफुल मटेरियल बना लिया। ऐसे मटेरियल जिनको हम एनर्जी लगा के उनको गलाते हैं और दोबारा से यूजफुल मटेरियल बना लेते हैं, उन्हें हम रिसाइकल मटेरियल कहते हैं। रिसाइकल मटेरियल के कुछ एग्जाम्पल हैं प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल्स। ये प्लास्टिक, पेपर और ग्लास और मेटल्स हम रैक पिकर्स यानी कबाड़ी को देते हैं। कबाड़ी उस कंपनी तक पहुंचाते हैं इन मटेरियल को जहाँ पे इनको गलाया जाता है, और दोबारा से रिफर्बिश मटेरियल यानी इनके जैसा एक नया मटेरियल बना लिया जाता है रिसाइकलिंग प्रोसेस के दौरान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिफ्यूज। रिफ्यूज का अर्थ ये है कि मान लीजिए आपको दूध लेने जाना है तो आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, जबकि दूध आपके पीछे वाली गली में मिल रहा है, और अगर किसी को दूध लेने जाना है तो उसके घर अगर बुलडोजर खड़ा हो तो बुलडोजर तो लेके नहीं जाएगा। जब आपको रुमाल खरीदने की जरूरत है तो आप तौलिया ना खरीदें। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रखा है, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। कई बार हम बैग कैरी करके नहीं ले जाते तो दुकानदार जो है हमें सिंगल यूज प्लास्टिक दे देता है, और ये सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, तो हम इसको मना कर सकते हैं कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक में नहीं चाहिए, हम थैला लेके आ रहे हैं उसमें दे दीजिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज का मतलब ये है कि नाले में जो पानी जा रहा है वह रिवर में जाने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने के लिए हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने का अर्थ है कि उस पानी को रिवर में मिलाने से पहले उसमें जो हार्मफुल थिंग्स हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं, ताकि रिवर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो और हम भी रिवर से पानी को इस्तेमाल कर सकें। कंपोस्टिंग, हमने पढ़ा था रेड वॉर्म्स के बारे में। ये जो रेड वॉर्म्स हैं ये ऑर्गेनिक वेस्ट यानी प्लांट और एनिमल वेस्ट को कंपोज करते हैं और इसे मैन्योर की फॉर्म में प्लांट को देने में हेल्प करते हैं। अगला स्टेप है रीयूज। रीयूज बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने जैम की बोतल ली या प्लास्टिक बोतल्स खरीदी जिसमें आइटम थे, यूज किया हमने जैम को, और प्लास्टिक बोतल में जो आइटम था उसको भी यूज किया, और इन जैम और प्लास्टिक बोतल्स को हमने दोबारा से किचन में कुछ और मटेरियल सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो हमने क्या किया, उन जैम बोतल या प्लास्टिक बोतल्स को रीयूज किया। रीयूज का अर्थ है कि हम जो चीज ले रहे हैं उसको दूसरी फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं बिना एनर्जी के। यहाँ पे हमने एनर्जी का कोई इस्तेमाल नहीं किया, जबकि रिसाइकल में हमने एनर्जी का इस्तेमाल किया था। अगला है रीपर्पज। रीपर्पज का मतलब ये है, रीपर्पज का मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया जो ओरिजिनल ना होके उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, या फिर आपने उसका इस्तेमाल कर लिया उसके बाद उसका कोई यूज नहीं हो रहा, तो आपने उस कप को या प्लेट को जो क्रॉकरी की आइटम था टूट गया है
उसमें आपने कुछ दाने रख दिए, कुछ पानी रख दिया ताकि बर्ड्स उसको खा सकें, तो इसको हम कहते हैं रीपर्पज, यानी जो अनयूज थिंग्स हैं जिसको हम वेस्ट में फेंक देते हैं या वेस्ट में रिसाइकिल या रिफर्बिश के लिए भेज देते हैं, उससे पहले अगर कुछ हो सके तो उसका हम रीपर्पज, उसको हम अलग तरीके से यूज कर सकें, तो उसको हम कहते हैं रीपर्पज। या लिखा है क्रैक क्रॉकरी या कप्स को या ब्रोकन हैंडल्स को हम यूज कर सकते हैं प्लांट्स ग्रो करने के लिए या फिर फीडिंग वेसल्स ऑफ बर्ड के लिए। चलिए अब प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल गिवन एनी टू मेथड्स। सो वेस्ट डिस्पोजल को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और इसके दो मेथड्स बताने हैं। पहला मेथड है रिड्यूस द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, रीयूज द जैम बॉटल्स टू स्टोर आइटम्स इन किचन। अगला प्रश्न है, लिस्ट द प्रॉब्लम्स ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस बाय अस। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनवायरमेंट में ब्रेक नहीं होते और इनसे पॉल्यूशन होता है एयर का भी, वाटर का भी और सॉइल का भी। कई बार नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल लाइक पॉलीथीन जो है वह गाय खा लेती है और वह गाय के पेट में फूल जाता है और इसके मरने का कारण बन जाता है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। अगला प्रश्न है, लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी टू थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। सो हमें कोई दो थिंग्स का नाम लिखना है जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो यहाँ है प्लास्टिक, पेपर एंड मेटल्स। तो प्लास्टिक और पेपर मेटल्स ऐसी चीज है जिन्हें हम रिसाइकल करने के लिए रैक पीकर्स यानी कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं। अगला प्रश्न है, राइट द एडवांटेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या क्या एडवांटेज है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज अंडरगो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सीवेज यानी नाले का जो पानी होता है उसको हम फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली ट्रीट करते हैं ताकि वह सेफली रिवर में चला जाए। सो सीवेज वाटर अंडरगो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं और यह जो वाटर है यह रिवर में जाता है और रिवर में जो ऑर्गेनिज्म है उसको आसानी से लें और उनको कोई हार्मफुल इम्पैक्ट ना पड़े। पांचवा, इफ यू हैव नो प्लास्टिक बैग्स देन बैग ऑफ व्हिच मटेरियल मे यूज बाय यू। सो अगर आप मार्केट में चले गए और आपके पास प्लास्टिक बैग नहीं है तो आपको उससे पहले क्या क्या मटेरियल लेके जाना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया है कि प्लास्टिक बैग की जगह आप कौन सा मटेरियल यूज करें। सो जूट बैग मस्ट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग। जूट बैग का हम इस्तेमाल करेंगे प्लास्टिक बैग की जगह क्योंकि जूट बैग जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बने हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि यह आसानी से एनवायरमेंट में मिल जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से डिकम्पोज हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू।